मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबून जी, गुड मॉर्निंग। मेहरबून जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछूंगा आपके एक फेवरेट स्टॉक पर, जिस मुझे लग रहा है आपको शायद काफ़ी दुख हुआ होगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो डेल्टा कॉप में डेवलपमेंट्स हुई जो गवर्नमेंट की तरफ से, और एक ऑलमोस्ट डेथ नेल की तरह से एक साउंड कर रहा है ये, क्या अब आप गिव अप कर रहे हैं इस बेट पर, या आपको अभी भी होप है यहाँ पर? सर, होप और गिव अप करने की बात नहीं है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डेल्टा कॉर्प ने जो प्रोजेक्ट लगाया था, कैसीनोज की बात कर रहा हूँ, आई थिंक दिस हैज नेवर बीन इजी बिजनेस फॉर एनीबॉडी। अगर इतना आसान बिजनेस होता तो ये सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में हैं जो पावर प्रोजेक्ट लगाते, सीमेंट प्रोजेक्ट लगाते, ये करते, टेक्सटाइल प्रोजेक्ट लगाते, आई थिंक उन लोग की इंडस्ट्री भी जाता। तो दिस बिजनेस इज फुल ऑफ चैलेंजेस। अगर आप ग्लोबली भी देखो तो देयर आर वेरी फ्यू एंटरप्रेन्योर्स हु हैव एंटर्ड दिस बिजनेस एंड ऑल ऑफ देम हैव डन वेरी 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 वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चैलेंजेस है, दे कीप ऑन कमिंग, विल बी अ मैटर ऑफ लिटिगेशन, कहना डिफिकल्ट है कि कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम, एंड आई एम नो वन टू प्रेडिक्ट, बिकॉज ये देश में जो सडन अनाउंसमेंट आते हैं, दिस रिमेन चैलेंजेस, इट्स नॉट ओनली फॉर वन इंडस्ट्री, इट कुड बी फॉर मेनी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। बट अभी की बात डेल्टा की और कैसीनो इंडस्ट्री की, दूसरे साइड पे हमें समझना चाहिए कि दिस इज अ कैश काउ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड कैश काउ फॉर वर्चुअली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। सो समवेयर वन कैन बी होपफुल कि समथिंग विल कम आउट। रही बात इंडस्ट्री की, आज तक आई हैव नेवर हर्ड अ सिंगल वॉइस, इंक्लूडिंग यू मी एनीबडी फॉर दैट मैटर, हु सेज कि बिजनेस विल नॉट कीप ऑन ग्रोइंग। अभी बीच में GST का आया था 28% टैक्स का, अभी डेल्टा सेज दे ऑलरेडी बीन पेइंग इट, अभी मोड ऑफ कैलकुलेशन चेंज हो रहा है, सेटबैक है सेटबैक है, बट कहीं पर हमें लगता है कि मार्केट विल एक्सेप्ट दैट। अभी आई पाई है तो डिमांड की, डिमांड विल अल्टीमेटली बी चैलेंज, ऑब्वियसली इट विल बी चैलेंज। एंड आई रिमेंबर, आई थिंक अनुज यू ऑल्सो विल एग्री, एंड आई थिंक मैंने आपको सुना भी था कि दिस इज अ थिंग विच हैज कम, इट्स अ सेटबैक, इट डजेंट लुक वेरी प्रैक्टिकल बट इट्स अ सेटबैक। सो 100% इट्स अ सेटबैक। समवेयर आई फील something will get worked out, it may take its own time, litigation India may doesn't happen in a hurry, things don't happen end in a hurry, but as far as business goes, I think this has always been full of challenges, there are all sorts of noise which keeps on happening, but considering ye ek industry hai jo aage chal ke solid growth de sakti hai, solid revenue de sakti hai sabko, and if you take it as a little bit of an entertainment vis-a-vis F&O type of derivatives trading which is happening right now, where people keep on losing money yet people keep on indulging. Indians ultimately are the second biggest gamblers in the world. So, kahin par a consensus aata hai, and if this industry tends to be developed, we will have a very different story to say about Delta maybe a year later or a year and a half later, we don't know. But as of now, yes, main aapke sath bilkul sehmat hu. Kehna difficult hai, what is going to be the ultimate outcome and what will happen. This type of things keep on happening. This is a thing which can have a legal litigation which will keep on going maybe for a few years also, I don't know. But it's unfortunate, it's sad. From a business angle, I don't think I have changed my view. I think it is a business which will keep on growing unless the regulator or the government comes up in a very big way against it. There could be some issues here and there which I hope will get ironed out over a period of time. Bilkul, khair. एनीवे ये बिजनेस में, स्टॉक्स में हमेशा इस तरीके के रिस्क रहते ही हैं। फार्मा में अच्छा मोमेंटम आ रहा है आज मेहरबून जी, कोई फार्मा में पिक्स आपकी? और बिंदु में शानदार मूव है आज खास तौर से। Yeah, I think I would like to honestly stay away from pharma. I think ये मार्केट वैसा टाइम आ गया है कि one has to be very, very, very selective. अगर कोई भी 5 करोड़ का चेक आपको देता है, बोलता है मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको कहता हूँ कोई भी फंड मैनेजर को पूछो, आई थिंक इन्वेस्टिंग इंक्रीमेंटल मनी फॉर एनीबडी हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज। हमारे सामने चैलेंजेस हैव कम इन ऑल टाइप्स ऑफ फेसेस। ऑयल प्राइस देखिए, करेंसी देखिए, बॉन्ड यील्ड्स देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, इन्फ्लेशन देखिए। अभी आप कहेंगे ये बात काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, बट येट मार्केट इज रेजिलियंट। तो यस, दूसरे साइड पर ये है कि मार्केट इज वेरी रेजिलियंट, मार्केट में पैसे आते रहते खास करके रिटेल मनी के, सो इट इज पॉसिबल ये रिजल्ट सीजन आएगा, रिजल्ट सीजन इफ इट इज गुड मार्केट में सरप्राइज ऑन द अपसाइड फॉर सम मोर टाइम टू कम, बट कहीं पर एक स्टॉर्म इज ब्रूविंग
एंड वी हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल एंड अवॉइड ऑल एक्सपेंसिव स्टॉक्स. तो रही बात फार्मा की, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन सर्टनली दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव नाउ, दे हैव बीन बीटन डाउन एंड पॉसिबली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. कि लोगों को समझ में नहीं आता क्या कर देगा. आईटी में लोग स्पेंट ऑन बाइंग एट लोअर लेवल्स एंड येट आईटी इज कीपिंग ऑन हिटिंग देम. सो फार्मा समवेयर इज बिकमिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफेंसिव पिक ऑल्सो एंड पीपल आर थिंकिंग. और मैं बात में सहमत नहीं हूँ, पब्लिक सोचती है कि अगर रूपी डेप्रिशिएट होता है तो इट बेनिफिट्स एक्सपोर्ट्स एंड फार्मा एक्सपोर्ट्स. बट द फैक्ट इज दैट मार्केट इटसेल्फ हैज बिकम वेरी चैलेंजिंग एज फार एज रेगुलेटरी थिंग गोज अब्रॉड ऑल्सो, स्पेशली इन द यूएस एंड यूरोप. सो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. इतना कहूंगा कि ये लेवल से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर साइड बिकॉज द वैल्यूएशन आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव नाउ. ओके, एचडीएफसी बैंक आपके पोर्टफोलियो में आई एम श्योर होगा. काफी तंग किया है स्टॉक ने, अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर मेहरबान जी? आई थिंक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है आई थिंक अगले एक दो तीन क्वार्टर के लिए. सो कहना यह है कि अनुज भाई कि आप सोचेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं गिरेगा, तो मैं कहूंगा फिर एचडीएफसी बैंक क्या खराब है, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है. नथिंग हैज हैपेंड. सो मे बी द डाउनसाइड कुड बी अट द 5-7% फ्रॉम योर एट मोस्ट. तो व्हाई शुड आई नॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ इन एचडीएफसी बैंक एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. बट अभी के लिए कोई ट्रिगर नहीं है. अगर आप देखो तो कंपनी की लिक्विडिटी इतनी बढ़ गई है कि ओवरऑल इट्स कॉस्ट हैज गॉन अप. Secondly, in a country like India, when you come under the RBI, especially with HDFC Bank or HDFC merger complete RBI, I think the regulatory things, the compliance things, the cost keep on going up. So if you look at the cost to income ratio, that is going to go up agle ek do quarter ke liye. Also, ye liquidity badhne ke karan, the money always which is lying with you, I think carries a cost. So isi karan se mujhe lagta hai ki the margins will also be under pressure when the market recognizes. वेटेज पड़ेगा एवरी क्वार्टर में या एवरी मंथ में, एवरी टू मंथ्स में. यू कीप ऑन सीइंग दिस मूवमेंट्स. बट फंडामेंटली अगर आप मुझे पूछो तो आई डोंट थिंक द स्टॉक इज एक्सपेंसिव, बट देर आर नो पॉजिटिव ट्रिगर्स. तो अगर किसी के पास हो, नहीं बेचा हो, कोर होल्डिंग कहते आ रहे हैं जैसे मैं कहते आ रहा था बरसों से कि कोर होल्डिंग इट इज गिवन सुपर रिटर्न्स. बट इफ यू आस्क मी आई थिंक लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन नेगेटिव फॉर इट. आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मोर. अगेन like pharma, this is a bigger thing. The downside according to me is not going to be more than 5% over here, though there are no reasons to be positive on this stock agle one or two quarters ke liye. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.